क्या आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अपने काम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं जिसमें आप इजीली ट्रैक कर सको कि विजिटर कब चेक इन हुआ, कब चेकआउट हुआ, कौन सा रूम बुक्ड है, कौन सा अवेलेबल है? अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो सेकेंड पार्ट में हमने डेटाबेस और डेटा कॉन्फिगरेशन कर लिया था और थर्ड पार्ट में हमने यूजर इंटरफेस बना लिया था। इस वीडियो में अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया बुकिंग हिस्ट्री में, ठीक है। बुकिंग हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ आप देखेंगे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं यहाँ क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं बुक करूँ तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में आ जाए, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे जो गेस्ट डायरेक्टरी है, इसमें आपको मोबाइल नंबर को कीवर्ड रखना है और लेबल में रखना है। ये चीज़ आप ध्यान देना, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक ही रहेगा एक पर्सन का, इसलिए मोबाइल नंबर नाम डुप्लीकेट भी हो सकता है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, बुकिंग हिस्ट्री में गया, मोबाइल नंबर आपको यहाँ लगाना है, रेफरेंस, रेफरेंस किस टेबल से लगाएंगे, गेस्ट वाले से, गेस्ट डायरेक्टरी, और इसको रख कर देना टिक। अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया ड्रॉप डाउन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी कोई एंट्री करूँ, कोई किसी गेस्ट की एंट्री करूँ, उसका ऑटोमेटिकली बैकएंड से डेटा पिक कर ले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा लुकअप का फॉर्मूला, लुकअप दिस रो डॉट किसके बेस पे, मोबाइल नंबर के बेस पे, मोबाइल नंबर कहाँ है, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर वाले में मुझे नेम में लगाना है, ठीक है, मुझे नेम में लगाना है यहाँ पे। तो लुकअप दिस रो डॉट क्या चाहिए, नेम मोबाइल नंबर के बेस पे चाहिए, मुझे चाहिए मतलब इसके बेस पे, मोबाइल नंबर के बेस पे, जैसे मोबाइल नंबर मैं सिलेक्ट करूँ ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हिस्ट्री से उसका नाम वगैरह जो भी डिटेल है आ जाए ऑटोमेटिक। तो मैंने किया यहाँ पे। इसके बाद मुझे मैं करूँगा टेबल का नाम, टेबल का नाम है गेस्ट डायरेक्टरी, किसके बेस पे, मोबाइल नंबर, क्या चाहिए नेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ। रूम नंबर हमें डालना पड़ेगा, ये भी डालना पड़ेगा, चेक इन टाइम है, ये सारा कुछ सही है। अब कर दिया सेव, इसको मैं एंटिक रखता हूँ, ठीक है, कर दिया सेव। देखो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली नेम आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप रूम पे भी लगा लेंगे, वही चीज लगाना है आपको, रेफरेंस। मैं यहाँ गया कॉलम में, कॉलम में बुकिंग हिस्ट्री, सबसे पहले हम देख लेंगे कि रूम जो है क्या वो यूनिक की है, ठीक है, यूनिक की भी है और लेबल भी है। अब मैं जाऊँगा बुकिंग हिस्ट्री में रूम, इसको भी मैं रेफरेंस से लगा देता हूँ यहाँ भी, और यहाँ पे चुनूंगा मैं रूम, और इसे कर दूंगा सेव कर दो इसे, इसमें ये टिक करो या मत करो, इसको रहने देता हूँ, कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसका मैं बता देता हूँ, इससे आप डायरेक्ट यहीं से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से डेटाबेस में, यहाँ पे आप करेंगे तो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, मतलब ये जाके गेस्ट वाले डेटाबेस में यहीं सेव हो जाएगा उसके लिए। तो रूम तो एक लिमिटेड ही रूम रहता है, तो इसलिए इसको मैं एंट्री रखता इसको कैंसिल कर दो, इसको कर दो सेव। अब रूम का भी डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है, कौन कौन सा रूम, 1 2 3, तो ये आ गया आपका मोबाइल नंबर से पर्सन का नाम आ गया, उसका नाम क्या ही आ गया। उसके बाद है कितने लोग हैं, 1 या 2, जो भी है 2, ये आपको लिखना है। प्लान चेकिंग टाइम, वो कब चेक इन करेंगे, एक प्लान टाइम अगर वो बता रहे हैं तो आपको डालना है, तो मैंडेटरी नहीं है, कब के लिए बुकिंग है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। मैंने डाल दिया कल का डेट, मान लो कर रहे हैं 7 तारीख को, टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग ऐसे कर देंगे सेव, ठीक है। एक्चुअल चेकआउट कब होंगे वो डाल देंगे यहाँ पे, मान लो 15 तारीख को होंगे, वो कर दिया आपने सेव। अभी आप देखेंगे बुकिंग हिस्ट्री में तो एक एंट्री आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ये तो हो गया प्लान चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम, इसमें क्या क्या आ गया देख लेता हूँ मैं एक बार,
यहाँ पे हम पेमेंट का अमाउंट भी ला सकते हैं यहाँ पे कि कितना अमाउंट होगा, इसका रेंट कितना है, इसका चार्ज कितना है, तो वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं लगाऊंगा यहाँ पे लुकअप कॉलम में, गया यहाँ पे जाने के बाद बुकिंग हिस्ट्री में एक वर्चुअल कॉलम क्रिएट करूंगा, यहाँ पे रूम रेंट इस पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, लुकअप करूंगा इसके बेस में, जो कराना है यहाँ पे जिस रूम, मुझे रूम के बेस में लुकअप कराना है, रूम कहाँ गया, ठीक है, इसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, इस टेबल से, रूम वाले टेबल से मुझे उसका रेट चाहिए, पर रेट क्या है, रूम टेबल से, होटल नाम से, होटल के नाम से उसका चाहिए होटल नंबर, होटल नंबर के बेस पे मुझे चाहिए रेंट पर डे, ठीक है, वे कर दिया, इसको कर देना सेव, इसको रखना है प्राइस में, यहाँ पर 6,000 रुपीज, ठीक है, ये कर दो तो सेव। अब मैं इसको भी यहाँ पे यूएक्स में इसके ऐड कर देता हूँ, टेबल वहाँ पे आ गया जो, इसको करता हूँ मैं रूम रेंट, रूम नंबर और रूम रेंट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका आपको वो भी दिखेगा, इसका रेंट कितना है, और इसको मैं उसमें भी डाल देता हूँ, क्या नाम है, फॉर्म में भी, फॉर्म कहाँ है, ये रहा, कहाँ है रूम रेंट, इसको मैं उसके पास रख देता हूँ, जैसे आप रूम सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली उसका रेट आ जाएगा कितने का है। देखिए अब एक एंट्री चेक करके देखते हैं, देखो रूम रेंट आ गया कितने का है, ये वाला रूम 5,000 का है, मैं एक और एंट्री करके देखता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें। अब कोई यहीं से ना, कोई नया बंदा आया है, कोई नया पर्सन है, तो आप यहीं पे जाएंगे, इस पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे कर देंगे न्यू, अब उसका नाम डालेंगे, मान लो नाम डालना है और विनोद, ठीक है, फादर नाम है रमेश, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हमेशा यूनिक ही रहेगा एक पर्सन का, क्योंकि वो दोबारा कभी भी है, आप मोबाइल नंबर डालोगे ऑटोमेटिकली उसका वैकेंसी डेटा ले लेगा, तो मोबाइल नंबर इसका मान लो 9871688999, अल्टर मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो डाल दो, ईमेल आईडी अगर आपको डालना है तो डाल दो, मिनट नहीं है, एड्रेस भी मिनट नहीं है, गेस्ट का पिक्चर डाल देते हैं, और यहाँ पे आईडी प्रूफ डाल देते हैं, गेस्ट का पिक्चर को डाल देता हूँ मैं, ठीक है, आईडी प्रूफ में कुछ डाल देते हैं, आप आईडी प्रूफ डाल देना यहाँ पे, मैंने कुछ भी डाल दिया है, और कर देना आपको सेव कर देना है, भी आ गया, अब विनोद का डेटा यहाँ पे आ गया, अब विनोद का बैकेंड में जाके सेव हो गया, अब ये कौन सा रूम लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रेंट ऑटोमेटिक आ गया, कितने लोग हैं वो डाल देना है आपको, मान लो 2 लोग हैं, अब यहाँ पे इनका चेकिंग कब करेंगे, एक प्लान चेकिंग कब करेंगे वो डालना है यहाँ पे, ये करेंगे मान लो 5 तारीख को करेंगे, कब से कब तक करेंगे, ये है करेंगे 20:08, 8 बज के यहाँ से आपको टाइम करना है, यहाँ पे सेकंड सेलेक्ट करना है, चेकआउट का भी ऐसा आप टाइम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कर देना है आपको सेव, तो एंट्री आ गई इस तरीके से। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम चेकिंग और चेकआउट का बिहेवियर कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।